गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, टूडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पोयम डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब देखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोयम में हमें क्या बताया है। डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ सिंपल टेल ऑफ हैविंग स्नो फॉल ऑन द नरेटर टू पुल हिम फ्रॉम द अनप्लेजेंट मूड। This poem tells us that sometimes even a small incident may prove to be of a large significance. कि कई बार small incidents भी हमारी life में बहुत important prove हो जाते हैं। Look at the first stanza. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Dust of snow means fine particles of snow. Hemlock tree, a poisonous plant. अब देखो इस स्टेंजे में पोएट हमें क्या बता रहे हैं। द पोएट इज अपसेट एंड सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। सडनली अ क्रो सिटिंग ऑन द ट्री शेक्स द ट्री एंड द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो फ्रॉम ट्री फॉल्स ऑन द पोएट। क्लियर कि पोएट का मूड अपसेट है, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ जाता है और अचानक से एक क्रो इस ट्री को क्या कर देती है, शेक कर देती है, हिला देती है और उसके हिलाने से फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिर जाते हैं। नाउ लुक एट द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दिस स्टेंजा। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज़ द पोएट सीटिंग प्रेजेंटली। पोएट कहाँ बैठे हुए हैं। द पोएट इज सिटिंग समवेयर अंडर अ हेमलॉक ट्री। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ द पोएट फीलिंग प्रेजेंटली। पोएट की फीलिंग कैसी है। ही इज़ फीलिंग सैड एंड डिजेक्टेड। कैसा फील कर रहे हैं, सैड, डिजेक्टेड, अपसेट। व्हाट डू यू नो अबाउट द वेदर आउट देयर। वेदर के बारे में तुम क्या जानते हो, वेदर कैसा है। इट इज़ क्वाइट कोल्ड नेचुरली As the snow has covered almost everything out there. कि cold season है, it means winter season है। weather कैसा है, winter है, क्योंकि snow ने everything को क्या कर रखा है, covered कर रखा है। What kind of a tree is hemlock? Hemlock किस तरह का tree है। It is a kind of poisonous and toxic palm tree. Clear कि एक poisonous tree है। How does the dust of snow affect the poet? डस्ट ऑफ स्नो पोएट पर कैसे अफेक्ट डालती है। द पोएट फील्स रिफ्रेश्ड। क्लियर कि पोएट का मूड कैसा था, अपसेट था, डिजेक्टेड था, सैड था और जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरती है पोएट का मूड कैसा हो जाता है, रिफ्रेश्ड हो जाता है। गिव द राइम स्कीम एज यूज्ड इन द अबव स्टेंजा। राइम स्कीम है ए बी ए बी। द कंपोजर ऑफ दीज लाइन्स इज। कंपोजर मीन्स पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वेयर वॉज द पॉइंट। फोर ऑप्शंस आर गिवन। करेक्ट ऑप्शन इज सीटिंग अंडर अ ट्री। लास्ट वन, वट हैज़ द क्रो डन। क्रो ने क्या किया। फोर ऑप्शंस आर गिवन। करेक्ट ऑप्शन इज इट हैज़ शेकन ऑफ सम स्नो ऑन द पॉइंट। नेक्स्ट अप वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सेकेंड स्टेंजा। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rude. Rude means felt sad about. It means sad feel karna, regret feel karna, repent feel karna. In this stanza, the poet wants to say that the soft and cold touch of snow changes the poet's mood from sad to happy. He starts feeling refreshed. In this way, a simple movement proves to be a very significant and saves the poet's rest of the day from being wasted and held in regret. It means soft or cold touch snow ka poet ke mood ko change kar deta hai. Kaise? Sad se happy mein change kar deta hai. Aur wo refreshed feel karna shuru kar deta hai. Aur is tarike se ek simple movement bahut hi significant prove ho jata hai. Aur poet ke baki bache huye din ko save kar leta hai. Use waste hone se bacha leta hai. Regret feel karne se bacha leta hai. Now look at the questions according to this stanza. First one is, what had given the poet a change of mood? क्या चीज़ थी जिसने poet के mood को change कर दिया? The falling of soft particles of snow over his head from the hemlock tree.
हैमलक ट्री से स्नो पार्टिकल्स जो गिरते हैं उसके हेड पर, इससे पॉइंट का मूड चेंज हो जाता है. व्हाट हैड द पॉइंट थॉट ऑफ दैट डे, उस दिन पॉइंट ने क्या सोचा था. ही हैड थॉट दैट हिज डे वुड बी रुइन्ड ड्यू टू हिज डिजेक्शन ऑफ मूड. पॉइंट ने क्या सोचा कि उसका मूड जो डिजेक्शन है या जो सैड मूड में है उसके कारण उसका दिन खराब होने वाला है. नेक्स्ट वन, हाउ वॉज द रेस्ट ऑफ द डे सेव्ड फॉर द पॉइंट. कैसे रेस्ट ऑफ द डे पॉइंट ने सेव किया. इट वॉज सेव्ड एज द क्रोज मूवमेंट ड्रॉप्ड सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो ओवर द पॉइंट्स हेड एंड हिज मूड वॉज रिफ्रेश्ड. ठीक है, कि जैसे ही क्रो का मूवमेंट हुआ और स्नो पार्टिकल्स पॉइंट के हेड पर गिरे, इससे पॉइंट का मूड चेंज हो जाता है और रिफ्रेश हो जाता है और उसके रेस्ट ऑफ डे को सेव कर लेता है. व्हाट डज द वर्ड रूड सजेस्ट. रूड वर्ड क्या सजेस्ट करता है. इट सजेस्ट दैट द पॉइंट्स डे वॉज गोइंग टू बी फुल ऑफ रिग्रेट फॉर सम रीजंस. कि पॉइंट का जो मूड था वो खराब था, जिसके कारण पॉइंट का सारा दिन किसी भी कारण से रिग्रेट में जाने वाला था या पूरा दिन खराब होने वाला था. द पॉइंट हैड बीन फीलिंग. पॉइंट की फीलिंग बतानी है यहाँ पर. फोर ऑप्शंस आर गिवन. करेक्ट ऑप्शन इज वेरी डिप्रेस्ड. कि पॉइंट की फीलिंग क्या थी, डिप्रेस्ड थी, सैड मूड में था. नेक्स्ट वन, द क्रो हैज़ चेंज द पॉइंट्स मूड बाय. क्रो ने पॉइंट के मूड को चेंज कर दिया. कैसे. फोर ऑप्शंस आर देयर. करेक्ट वन इज शेकिंग डाउन द डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो का शेक होना या पॉइंट के ऊपर गिरना. लास्ट वन इज द पॉइंट इज ट्राइंग टू सजेस्ट दैट. पॉइंट क्या सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है. फोर ऑप्शंस आर गिवन. स्मॉल थिंग्स ब्रिंग बिग चेंजेस इन लाइफ. फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट, कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो भी लाइफ में बड़े चेंजेस ले आती हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोयम. थैंक यू सो मच.